हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आप सबका स्वागत है GT5 के नई वीडियो में। एक सेकंड, अबे ये शिनचैन क्या कर रहा है? अबे ये शिनचैन क्या हो गया, ये क्या कर रहा है? एनीथिंग की भी आपको पता ही नहीं कि इसको बोलते हैं पुशअप्स। अरे वो तो मुझे पता है पुशअप्स बोलते हैं, पर तू क्यों कर रहा है? अबे साले कमजोर आदमी, इतना सा तो तू है, तेरे हाथ तो देख कितने से पुशअप्स क्यों कर रहा है? एनीथिंग की मैं मुझे नैने को दीदी को अपनी बॉडी दिखानी है, इसलिए पुशअप कर रहा हूं। अरे पागल वागल हो गया क्या तू शिनचैन? एनीथिंग की मैं बैठ जाते कि देखो कोई आया है। अरे हां जा रहा हूं, पता नहीं कौन आया, अभी घंटी बजा रहा है। अबे पुशअप करना बंद कर दे, अभी हड्डी वड्डी टूट जाएगी। अबे देख यार कौन परेशान करने आया है। अभी एक सेकंड, अरे ये तो चिंटू का भाई पिंटू है। अरे भाई कैसा है तू? अरे फ्रैंकलिन कैसा है तू? मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। अरे मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ यार, तू बता यार क्या, कितने दिनों बाद कैसे मिला? अरे मुझे तेरे से एक काम है छोटा सा। मुझे पता है कि तू सबसे बढ़िया वाला चोर है लॉस सैंटोस का, इसलिए मैं तेरे लिए काम लेके आया हूँ। क्या काम है, वो भी चोरी का? अरे हाँ चोरी का काम है, मेरी बीवी के बच्चे की कार चोरी हो गई है। बीवी के बच्चे? अबे तो तेरा भी तो बच्चा हुआ। अरे हाँ वो मेरा भी बच्चा है। अबे हाँ तो उसका क्या? अरे उसकी एक कार चोरी हो गई है, वो पूरी एक डायमंड की कार थी। मैंने उसको स्पेशल कस्टम मेड डायमंड की कार थी और वो चुके चोरी। मुझे उनकी लोकेशन तो पता है पर मुझे वहाँ पे जाने में डर लग रहा है। अबे तेरे पास तो इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड, क्यों डर लग रहा है? अरे तू जाना प्लीज ना यार, मैं तेरे को बहुत सारे पैसे दूंगा। अच्छा पैसे देगा? कितने पैसे देगा? अरे मैं तेरे को पूरे के पूरे 10,000 रुपए दूंगा। अच्छा 10,000 रुपए में तेरी डायमंड की कार बचाऊं? चल चलो कल आना बाय बाय। अरे मेरी बात सुन, रुक। अरे चल 1,00,000 रुपए। अबे मैं जाऊँ ना, ठीक है जाऊँ ना, बाय बाय। अरे नहीं तेरे को बता कितने पैसे चाहिए। अबे शिनचैन तू बता अपने कितने पैसे मांगने चाहिए? बहुत सारे मांगो। अच्छा चल बहुत सारे दे दे। अरे कितने पर बहुत सारे? मुझे चाहिए कम से कम $10 million। अरे क्या $10 million? तो चल ठीक है मैं चलता हूँ। अरे ठीक है, अरे दे दूंगा कोई बात नहीं। क्या तू मुझे $10 million दे देगा अगर मैं वो गाड़ी लेके आता हूँ? अरे हाँ मैं दे दूंगा, क्योंकि वो डायमंड की कार है, मुझे वो कार कैसे करके चाहिए। अगर मैं नहीं लाया तो मेरे बीवी का बच्चा मुझे मार देगा। अरे यार तू टेंशन मत ले, और मैं तेरी कार भी लेके जा रहा हूँ, इसमें यार वो लेके आऊंगा फटाफट से। अरे ये वाली कार को मत कर देना। अरे कोई बात नहीं भाई, डायमंड की कार तो मिल जाएगी ना। तो गाइस अभी मैंने शिनचैन को अपने साथ बैठा लिया, अभी हम जाने वाले चिंटू के भाई पिंटू की कार छुड़ाने। उसने बोला है कि डायमंड की कार है तो बहुत ही ज्यादा महंगी कार होगी, तो फटाफट चलते। तो गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाके लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मेरा एक इंस्टाग्राम भी, हम वहां पे बैठ के मस्त मस्त बातें कर सकते, तो फटाफट जाके मुझे फॉलो कर लो, varun_YT या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो फटाफट से फॉलो कर लो। तो अभी हम एयरपोर्ट के वहां पे आ गए, हमें यहां से लेनी है एंट्री। अरे ये क्या हो गया, अबे ये ऐसा कैसा टाइट कर दिया? अबे पहले तो आराम से टूट जाता था, अभी तो टूट ही नहीं रहा, ना ही खुल रहा है। अरे मैंने इसको अटका दिया, खुल भी नहीं रहा है। अरे भाई यहां से मैं जा भी नहीं सकता, अब क्या करूं? अरे एक सेकंड मेरे पास आईडिया है, एरी नहीं फेंकी भी है। अबे शिनचैन करने होगा, एरी नहीं फेंकी भी है, नहीं 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 एरी फेंकी भी है। अरे अरे बचाओ, और शिनचैन लैंड करेंगे ना, एरी फेंकी भी है, ढंग से लैंड करना मुझे लग जाएगी। अरे टेंशन मत ले, इसको बिल्कुल ढंग से मैं लैंड कराऊंगा। अरे नहीं शिनचैन नहीं हो पाएगी लैंड। अरे भाई बच के बच के, अरे गाड़ी गोल गोल हो गई, एरी फेंकी भी मुझे तो चक्कर आ गई। अरे भाई शिनचैन कोई बात नहीं। तो यार हमें यहाँ पे एयरपोर्ट के वहां पे यार वो कार का हमें लोकेशन मिल रही है, मुझे लग रहा है कि वो पानी के आसपास ही है। तो अभी फटाफट चलते हैं उस कार को ढूंढते हैं, और सामने एक प्लेन भी लैंड हुआ, क्या पता वो उस गाड़ी को प्लेन में चढ़ा के ले जाए यहाँ से। तो अभी जो हमने सिग्नल सर वो तो हमें पानी की तरफ से आ रहे थे, यहाँ पे हमें गाड़ी लगा के देखते यार कहाँ से आ रही है सिग्नल। अरे एक सेकंड वहाँ पे तो एक बोट खड़ी है, और मुझे लगता है वो यहीं से निकले, मुझे स्नाइपर से देखना चाहिए क्या ये वही बोट है जिसमें वो गाड़ी लेके जा रहे। अरे भाई साहब अरे तो वही बोट है, और वहाँ मुझे कुछ डायमंड जैसा दिख भी रहा है। अरे मुझे लगता है ये बोट में वो गाड़ी लेके जा रहे, अरे मैं उसको मारूंगा कैसे? अरे भाई साहब इन सबको मैं मार भी नहीं सकता, अगर इनको पता चल गया कि मैं यहाँ पे हूँ तो ये फुल स्पीड में बोट को ऐसे ले जाएंगे। अभी तो ये बिल्कुल धीरे धीरे जा रहे हैं। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, मुझे एक प्लेन चाहिए होगा शिनचैन, में 2 मिनट में आता हूँ। तो मुझे अभी ये सामने एक जेट दिख गया, तो फटाफट से इसमें जाने वाले, और यार मैं पानी के बीच में कूद जाऊंगा ताकि मैं उस बोट के अंदर लैंड कर सकूँ, और यार वो गाड़ी वापस से लेके आ पाऊँ। और वहाँ पे तो यार बहुत सारे गार्ड है तो बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, तो अभी इसको फटाफट से मुड़ाते हैं और सीधा लेके चलते हैं उस बोट की तरफ। और मैं शिनचैन को अपने साथ नहीं लेके पाऊंगा, वरना अगर मैं वापस रोकूंगा तो उन्हें दिख जाएगा कि हम जेट में इधर आ रहे हैं, तो मैं फटाफट सीधा उनके ऊपर कूदूंगा। पहले तो मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि उनको बिल्कुल भी शक नहीं हो। आराम से हम इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ लेके जाने वाले, और फिर इधर से कूदेंगे और सीधा उनकी बोट पे लैंड करने वाले। तो यहाँ से निकलते और हम हो चुके लैंड। अरे ये क्या हो गया, अरे अरे बचाओ बचाओ। अरे भाई उसमें को प्लेन से लग गई और मेरा पैराशूट तो खुल ही नहीं पाया, पर हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो फटाफट से अपनी गन से इनको मारना शुरू करते, यहाँ से इनको मारते। शिनचैन को ध्यान रखना शुरू कर, अरे ठीक है फेंकी भैया, अरे इधर देखो मैं इधर हूँ। तो गाइस सारे सारे अभी उधर देख, इनको फटाफट से मारना चाहिए, ये लो किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मरते जाओ। तो अभी मैंने यहाँ पे सबको मार दिया लग। तो यार मुझे वो गाड़ी तो दिख गई, पर ये अजीब सी गाड़ी नहीं है, पहले वहाँ पे चल के देखते हैं, डायमंड जैसी गाड़ी है। यहाँ पे तो और भी गाड़ी, इनको भी मारते हैं फटाफट से। और यार मैंने इन सबको
को मार दिया आखिरकार। और यहाँ पे मुझे वो गाड़ी भी दिख चुकी है, पता नहीं कैसी अजीब सी गाड़ी है ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी गाड़ी है। अच्छा मुझे पता चल गया, उसने अपने बेटे के लिए बनवाई थी डायमंड वाली, वो भी बिल्कुल इतनी छोटी सी कार मंगवाई। चलो उसको वापस अपन वहाँ पे लेके चलते सीधा अपने रनवे पे। तो अभी हम यहाँ पे तो आ चुके, फटाफट से अंदर चल रहे थे इस गेट से। और ये डायमंड की कार तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, मतलब इतनी छोटी है फिर भी मैं इसके अंदर फिट हो चुका हूँ। चल शिनचैन यार देखो भी घुमाओ उसमें। एनी वे भी तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी, ऐसी गाड़ी तो मुझे भी चाहिए। अबे भाई तो बहुत ही ज्यादा महंगी है, चलो उसको स्पीड टेस्ट करते देखते हैं कितनी तेज भगती है। तो अभी हमारे साथ शिनचैन तो बैठ चुका है, और क्या हो रहा है, चलो इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं कितना तेज भग सकती है। तो यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, और ये 100 तो भी बहुत ही आसानी से पहुंच गई, और ये 150 इसने क्रॉस कर लिए। मुझे लगता है ये 200 तो आराम से क्रॉस कर ही लेगी, और ये 200 भी बस ये क्रॉस कर लिया। और भाई साहब ये तो बहुत ही खतरनाक तेज चलने वाली है। अरे आगे रास्ता नहीं है, मुझे रोकना पड़ेगा, अगर आगे और रास्ता तो ये और भी आगे बढ़ सकती थी। और भाई तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बाइक है, कार है। अरे देखिए भाई जो भी मुझे नहीं पता, अरे मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मतलब चाहिए। अरे भाई कहाँ से लाएंगे भाई, डायमंड की कार है। अरे देखिए भाई तो क्या हो गया, इसकी गाड़ी चुरा लेते ना। अबे भाई पहले किसी ने चुराई थी तो अपन उसको बचाने आए, अपन उसको चुराने नहीं आए। अरे तो क्या हो गया, फेंकी भाई चुरा लेते ना। और वैसे आइडिया तो सही है यार सिंचर। अरे फेंकी भाई ठीक है ना, इसको चुरा लेते हैं फिर मैं रख लूंगा इसको। अच्छा तू रोकेगा, मेरे को नहीं चलने देगा। अरे नहीं फेंकी भाई अभी चला लेना ना। और हाँ भाई बहुत ही तगड़ी गाड़ी आ रही है। तो गाइस सर अभी हम अपने घर पे आ चुके, और मैं सीधा यहाँ पे छुपाने वाला हूँ इस गाड़ी को, क्योंकि मैं उसको गाड़ी नहीं देने वाला, क्योंकि डायमंड की कार है। हमको $10 मिलियन नहीं चाहिए, इतना डायमंड की कार चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। तो पहले मैं देख के आता हूँ उसके बॉडीगार्ड अभी बाहर खड़े हैं, क्या पता वो भी उधर ही खड़ा हो। तो फटाफट से अपनी गन लेके चलते हैं, और कोई भी सामने खड़ा हुआ तो सीधा उसको मारना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे तो उसके बॉडीगार्ड खड़े हैं, और मुझे लगता है वो चला गया है। और भाई मुझे इनको मारना ही पड़ेगा, अगर मुझे उसकी डायमंड की कार चाहिए तो मेरे को इनको मारना पड़ेगा। ये ले एक को तो मैंने मार दिया, एक शॉटगन सीधा शॉट देंगे। अरे मुझे लगता है क्लोज आना पड़ेगा, निकलो ऐसे। अरे ये क्या कर रहा है, हमें क्यों मार रहा है, हमें तुम्हें पैसे देने वाले थे ना। अरे मुझे नहीं चाहिए पैसे, निकल यहाँ से, गेंडे तू भी निकल यहाँ से, सब टकलों को मारूंगा। ये लो ये तू भी ले, और ये तू भी ले। अरे क्यों मार रहे हो, हमारे बॉस ने तुमको मारने से मना किया है। अबे तो मेरे को तो मार भी सकते, निकल यहाँ से। इनके बॉस यानी चिंटू के भाई पिंटू ने मना किया कि मुझे मारना नहीं है, तो पर मैं तो इनको मार सकता हूँ, तो अभी मैंने इन सबको मार दिया। एक काम करता हूँ, ये जो गोल्ड वाली गाड़ी है ना ये भी अपन ही रख लेते हैं। एक काम करता हूँ उसको पास में कहीं भी छुपा गया जाता हूँ। हमें मिल चुकी एक डायमंड की कार और एक गोल्ड की कार, बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। पर यार अभी मैंने इनको मार दिया है तो यार इसके और भी बॉडी गार्ड्स आती होंगी। और यार चिंटू के भाई पिंटू की तरह जान पहचान पुलिस में भी, क्या पता हमारे पीछे पुलिस छोड़ दे, क्योंकि उसकी गाड़ी हमारे पास है और दो गाड़ी अब तो हो चुकी हमारे पास। अरे शिनचैन अपन उस गाड़ी को छुपाना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसको घर के अंदर तो खड़ा कर दिया, पर ये हेलीकॉप्टर की आवाज कहाँ से आ रही है। अरे भाई हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया, अभी तो पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर है। मुझे लगता है उस चिंटू के भाई पिंटू ने पुलिस वालों को बता दिया कि हमने इसकी गाड़ी चुराई है। अरे यार ये क्या हो गया, मुझे लगता है पुलिस वालों से लड़ना ही पड़ेगा। अरे यार अब मैं क्या करूंगा, अरे पुलिस वाला क्या कर रहा है, निकलने यहाँ से। अभी यहाँ पे तो बहुत सारे पुलिस वाले आ गए, मुझे लगता है ये मेरे चारों तरफ से घर को घेरने वाले। अबे तू कहाँ से आ गया, तो मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। अबे चौप तू जा, थोड़े कुत्तों को मार, मतलब कुत्तों को मत मार पुलिस वालों को मार थोड़े। अबे तो बहुत सारे, इनको मारो मारो, ये लो। अरे भाई मैं कैसे मारूंगा इन सबको, और ये तो बहुत ही ज्यादा पुलिस वाले मुझे लगता है आते जाएंगे। और भाई अभी मेरे को बहुत सारे हेलीकॉप्टर की आवाज भी आ रही है, अरे अब मैं क्या करूंगा। अरे तो और भी आ गए, अरे इनको कैसे मारूंगा, तो बहुत सारे पुलिस वाले। अरे भाई ये कुछ भी करो, ये गाड़ी मैं नहीं देने वाला है। अरे भाई तू नहीं देने वाला, पर इतने सारे पुलिस वाले अपन से लड़ते जाएंगे। चलो इनको तो मैंने मार दिया, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे लगता है मुझे वो करना ही पड़ेगा। पहले तो यहाँ से निकलो, मेरे पास एक बहुत ही तगड़ी चीज है जो पुलिस वालों को मार सकती है। इनको पहले मेरे को थोड़ा दूर करना पड़ेगा, ताकि मुझे मारे नहीं, आग लग गई मुझे। अरे अरे भागो यहाँ से भाई, अरे निकलो यहाँ से। तो अभी जो मेरा आखिरी आइडिया था वो मुझे यूज करना पड़ेगा, जो मेरा टैंक है मैं वो यूज करने वाला हूँ, और इन सबको मारने वाला। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इनको बिल्कुल भी छोड़ने वाला। इन्होंने हमारे ऊपर हमला किससे पूछ के किया, पहले तो हेलीकॉप्टर को उड़ाते, अब जो भी सामने आएगा वो मेरे टैंक के सामने कुचला जाएगा। अब निकलो यहाँ से पुलिस वालों, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो बहुत सारे आ गए, मुझे लगता है मुझे यहाँ से घर से निकलना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं टैंक को अपने दूर लेके जाता हूँ, अगर मैं इस टैंक को दूर लेके जाऊंगा तो सारे सारे पुलिस वाले मेरा पीछा करेंगे, और जो अपनी कार है डायमंड की वो सेफ हो जाएगी, और शिनचैन भी सेफ हो जाएगा। तो लगता है अपन को यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो गाइस सर अभी मैं यहाँ पे आके छुप चुका हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पर यहाँ पे छुपना पड़ेगा क्योंकि हमें गाड़ी तो चाहिए। तो गाइस सर आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो। अभी तो मैं पुलिस से छुपते छुपाते कहीं ना कहीं तो जाऊंगा, मुझे ये डायमंड की कार बिल्कुल भी देनी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महंगी कार है और हमें सिर्फ $10 मिलियन मिलने वाले थे। अभी पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई, तो हमें भागते रहना चाहिए। तो गाइस सर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड करें डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन और फॉलो कर लेना, वहां पर बैठ के मस्त मस्त बातें करेंगे। और गाइस सर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अबे भाई भागो, यहाँ पे तो बहुत सारी पुलिस आ गई है।